अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था कल। हमने बेंथम एंड हुकर की मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस हैं कार्लिस लीनियस का, ठीक है। कार्लिस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बैकग्राउंड पे आते हैं कि ये कार्लिस लीनियस कौन था। सो ये 23 मई 1707 में पैदा हुआ था, और ये कहाँ पे, ये जो सोडान है, स्वीडन, ठीक है, तो इसमें पैदा हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी 1779 में हुई थी, 10 जनवरी, ठीक है। व्हाट इज ही इम्पॉर्टेंट, ही क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द स्वीडिश बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट नोन इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस कार्लिस को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी के फादर है, ठीक है। इसने जोलॉजी एंड बॉटनी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो इस वजह से हम इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो इसने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कार्लिस लीनियस स्टडी इन अ सिटी विजो विजो कार्लिस स्टडी वेरी बैड स्पेशली ऑन द बेसिस सब्जेक्ट थियोलॉजी एंड एस इन लेगविन ही वॉज इंटरेस्टेड इन ओनली बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था बॉटनी और मैथमेटिक्स में। ये लंग यूनिवर्सिटी था, लंग यूनिवर्सिटी में उसने तालीम हासिल की थी कि 1927 में लीनियस पास द एग्ज़ाम एंड वाज एक्सेप्टेड टू द लंग यूनिवर्सिटी। उसने एग्ज़ाम को पास कर दिया और फिर लंग यूनिवर्सिटी को वहाँ पर गया। इन अगस्त 1728 लीनियस वाज ट्रांसफर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सीला, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। कॉपर माइन इन द सिटी फ्लो इन 1773 लीनियस वाज एक्टिविटी एंगेज इन द मेनेडली रोट अ टेक्स बुक ऑन दिस थीम। उसने लीनियस ने 1773 को इस पे एक वहाँ पर एक थीम लिखा था, ठीक है। इन जनवरी 1735 ही रिसीव द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डवर्ज। 1734 फॉर द क्रिसमस लीनियस मीट द फ्यूचर वाइफ, हर नेम वॉज सारा लीजा मोरिया। इन द स्प्रिंग ऑफ 1735 शार्टली बिफोर डिपार्चर फॉर यूरोप, लीनियस एंड सारा गॉट एंगेज नॉट ऑफिशियली इन सितंबर ऑफ 1738 हेल्ड देयर वेडिंग, ठीक है। इट दे हैड 7 children, 2 boys and 5 girls, ऑफ विच 2 boys and girls डाई इन एफिशिएंसी। इस अब आते हैं कि लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कंट्रीब्यूशंस क्या थे, किस तरह जो लीनियस था कि उसने अपने कंट्रीब्यूशंस को जारी रखे थे, किस बेसिस पे। हाँ, इन द मिड ऑफ 17th सेंचुरी ही डिवेलप अ 7-लेवल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस ऑन सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी पे उसने एक 7 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलरिटीज़। इस सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उसने 7 सिस्टम क्लासिफिकेशंस को डिवेलप किया था। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इज एनिमल आर प्लांट, जितने भी ये ऑर्गेनिज्म थे तो सबको उसने क्लासिफाइड कर दिया कि ये एनिमल्स हैं आर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये जो लेवियस लीनिया लेवल्स ऑफ लीनियस सिस्टम था, किंगडम एनिमेलिया था, फाइलम क्लोरोडाइरा था, क्लास मेमेलिया था, ऑर्डर कार्नोविरिया था, फैमिली कार्डिरिया था, जेनस कैनस था, और स्पीशीज जो है सेनस लेउपस था। तो पब्लिकेशंस में क्या थे, ही पब्लिक स्पीशीज प्लंट्रिनम इन 1753 अपॉन विच ही क्लासिफाइड अबाउट 5,900 स्पीशीज ऑफ प्लांट। उसने एक बुक को पब्लिश किया था और उस बुक का नाम था कि दीज आर द प्लंट्रिनम 1753 में, कि इसने 5,900 स्पीशीज को उस प्लांट्स को उसने इस पर क्लासीफाइड किया था। ही पब्लिश सिस्टमा नेचर इन 1758 में इसने एक सिस्टमा नेचर को पब्लिश किया था, इन विच कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ 4,200 स्पीशीज ऑफ एनिमल। इसमें 4,200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूड है, ठीक है। 1753 में इसने जो स्पीशीज प्लांटिनम को पब्लिश किया था, इसमें 5,900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स थे, और ये जो सिस्टमा नेचुरल रहता तो इसमें कितने 4,200 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स थे।
एनिमल्स इंट्रोड्यूस बाय नामियल नामी क्रिएचर इन पे 1758, ये जो लेनियस था उसने बाइनामियल नामी क्रिएचर को भी 1758 में इंट्रोड्यूस किया था। इन बाइनामियल नेम्स द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जेनरा नेम आर जेनस नेम आर जेनेटिकल एपिफिटिक एपिफाइट एंड द सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम आर स्पीशीज नेम आर स्पेसिफिक एपिपेट। बाइनामियल नामी क्रिएचर जब उसने इंट्रोड्यूस कर दिया सो बाइनामियल नेम का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो वर्ड था ये जेनरा था, ठीक है, जेनस था, सेकेंड जो वर्ड था ये स्पेसिफिकली नेम इसमें इंक्लूड था। बोथ दीज वर्ड्स आर इन द लैटिन, ये जो दोनों वर्ड्स है लैटिन फॉर्म में थे एंड प्रिंटेड इन द इटैलिक एंड अंडरलाइन विद टाइप्स आर हार्ड हैंड राइटिंग, ये लैटिन वर्ड्स में होते हैं, जब ये प्रिंटेड आउट करते हैं तो ये इटैलिक करते हैं लोग, इसको अंडरलाइन करते हैं हैंड राइटिंग जब हमको बोलते हैं। द जेनेरिक जेनरिक नेम बिगेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक नेम विद अ स्मॉल लेटर, जब एक नेम स्टार्ट्स होती है सो इट्स कम फ्रॉम द कैपिटल लेटर एंड इट्स इंड्स फ्रॉम द स्मॉल लेटर, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट्स होती है और जो स्पेसिफिकली नेम होती हैं सो इट्स फ्रॉम द स्मॉल लेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज होमो सेपियन, ये एग्जांपल ये है कि जो साइंटिफिक नेम ऑफ मैन है सो इट इज़ द होमो सेपियन ऑफ विच होमो इज द जेनरा नेम टू विच द स्पेसिफिक नेम इज सेफाइनिस बिलोंगिंग, ये जो हमारे पास जनरल नेम है होमो इट इज़ द जेनरिक नेम जो हमारे पास सिफाइंस है सो इट्स बिगिंस फ्रॉम द स्पेसिफिक नेम। द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी इज एफिस मेलेपीरिया, ये जो एफिस मेलेपीरिया है ये हनी बी का साइंटिफिक नेम है ऑफ विच एफिस इज द जेनरिक नेम टू विच द स्पेसिफिक नेम इज मलेरिया बिलोंग्स, ठीक है, तो इसमें जो कि जेनरिक नेम है इट इज़ द एफिस है, जो स्पेसिफिकली नेम है इट इज़ द मलेरियन बिलोंग है, ठीक है। द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन साइंटिफिकली सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी हम इस पर्टिकुलरली नेम्स देते हैं साइंटिफिकली नेम्स देते हैं सो इट इज़ इक्वली थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इनका जो नेम्स है ये बिल्कुल सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते। इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ बाइनोमियल नेम साइंटिफिक नेम, और ये इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होते हैं कि हम इस तरह को बाइनामियल नेम को ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है कि क्वाइट शोइंग हैज़ लव फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में कोटेशन से एप अ ट्री डाइज प्लांट अनदर इज इट प्लेस, जब एक ट्री मर जाते हैं तो इनकी जगह एक और आ जाते हैं, ठीक है। कार्ल लीनियस का एक कोटेशन था कि इफ अ ट्री डाइज प्लांट अनदर इन इट्स प्लेस, दूसरे प्लांट्स इनका जगह लेते हैं, ये कार्ल लीनियस का अपना एक क्या था बेटा एक कोटेशन था। तो इसी तरह ये हमारे पास कार्ल लीनियस के कुछ इम्पॉर्टेंस थे, मैंने आपको लोग इनकी जो हिस्ट्री था ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, हिस्ट्री की तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, कि नामी नामी क्रिएचर वो आप लोग याद करें। थैंक यू बेटा।